हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, बुक 3 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, चैप्टर 5 कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 28, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। 31 मार्च 2022 दैट इज द क्लोजिंग बैलेंस एंड 31 मार्च 2021 इज द ओपनिंग बैलेंस। दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी 8,50,000 से बढ़कर के 10 लाख हो गया है। इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म 40,000 से बढ़कर के 1 लाख हो गया है। लैंड एट कॉस्ट 2 लाख से कम होकर के 1 लाख हो गया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है डेप्रिशिएशन चार्ज्ड ऑन प्लांट एंड मशीनरी ₹50,000। प्लांट एंड मशीनरी विद बुक वैल्यू ऑफ ₹60,000 वॉज सोल्ड फॉर ₹40,000। लैंड वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹60,000 एंड नो इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। नाउ इन्वेस्टमेंट मतलब यहाँ देखिए 40,000 से बढ़ करके 1 लाख हो गया है, मतलब ₹60,000 का नया इन्वेस्टमेंट खरीदा गया है लेकिन बेचा कुछ नहीं गया है। फाइन, सो यहाँ तो ₹60,000 साफ है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 28 में पहले हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाएंगे और ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है, क्योंकि ये एक एसेट है इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट के साइड होगा 8,50,000 का, और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 10 लाख रुपीज का। फर्दर इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है डेप्रिशिएशन इज चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी, सो ये प्लांट एंड मशीनरी को कम करेगा। सो डेप्रिशिएशन ऑन द क्रेडिट साइड ₹50,000 सजेस्टेड है। फाइन, और लिखा हुआ है सेकेंड पॉइंट में प्लांट एंड मशीनरी विद बुक वैल्यू ₹60,000 वाज सोल्ड फॉर ₹40,000, मतलब 40,000 का कैश मिला हमें। सो बाय बैंक दैट दिस इज कैश इनफ्लो, ₹40,000 में बेच दिया गया जबकि वो था 60,000 का, तो लॉस हो गया, तो वो लॉस भी यहां लिखेंगे। 60,000 का था, 40,000 में बिका, मतलब ₹20,000 का लॉस हो गया। बस इतना ही इंफॉर्मेशन है। अब वी विल बैलेंस इट। नाउ ऑन द क्रेडिट साइड इट इज हैवियर एंड टोटल इज 11,10,000। यहाँ भी 11,10,000 बनाने के लिए हमें यहाँ एक अमाउंट लिखना पड़ेगा, वो है 2,60,000। इसे हम लिखेंगे टू बैंक, दिस इज परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सो यहाँ जो बैंक है ये कैश इनफ्लो है और यहाँ जो बैंक है ये कैश आउटफ्लो है विच इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फाइन, उसी तरीके से लैंड अकाउंट भी बनाएंगे। लैंड का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है ₹2,00,000। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये भी एक एसेट है, डेबिट बैलेंस ही शो करेगा, और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है क्लोज डाउन ₹1,00,000। नाउ क्वेश्चन में लिखा हुआ है लैंड वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 60,000। सो प्रॉफिट को हम डेबिट में लिखते हैं, प्रॉफिट इज ऑफ 60,000। नाउ इसे हम क्लोज करेंगे तो क्रेडिट में हमें बैलेंसिंग फिगर आएगा ₹1,60,000 का। ये वो अमाउंट है जिसमें वो लैंड पीस ऑफ लैंड बेचा गया है। सो इसे लिखेंगे बाय बैंक, दिस इज सोल्ड। नाउ ग्रैंड टोटल इज 2,60,000। सो लैंड में हमें क्या पता चला, ये बैंक है, यही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इट इज कैश इनफ्लो। फाइन, सो ये बैंक, यहां का बैंक और ये बैंक, तीनों को मिलाकर के बनेगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फाइन, सो लेट अस प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें हम पहले परचेस कर लेते हैं, परचेस ऑफ
प्लांट एंड मशीनरी। ₹2,60,000, सो इट इज कैश आउटफ्लो। उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट्स भी खरीदा गया है, सो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ₹40,000 से बढ़कर के ₹1,00,000 हो गया, मतलब ₹60,000 का इन्वेस्टमेंट्स भी परचेस किया गया है। नाउ प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड भी है, सो प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड जो अभी हमने कैलकुलेट किया यह है ₹40,000 का, और लैंड भी बेचा गया है, लैंड सोल्ड फॉर ₹1,60,000। सो यह हो गया ₹3,20,000 और पॉजिटिव फिगर्स को ऐड करेंगे तो आएगा ₹2,00,000। सो माइनस वाला अमाउंट ज्यादा है, एज एन इफेक्ट ये क्या हो गया ₹1,20,000 और ये माइनस में है। सो इट इज कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सो दिस इज द सॉल्यूशन। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 29। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यहां लिखा हुआ है, देखिए परचेस्ड एंड सोल्ड लिखा हुआ है, मशीनरी परचेस्ड ₹6,20,000 एंड सोल्ड ₹2,00,000, इन्वेस्टमेंट्स बॉट ₹2,40,000 एंड सोल्ड ₹80,000, गुडविल ₹1,00,000 परचेस्ड एंड पेटेंट्स ₹1,50,000 सोल्ड। फर्दर एडिशनल इंफॉर्मेशन, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट ₹8,000, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स इश्यूड ₹20,000, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट ₹20,000, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स कैपिटल ₹30,000, अ प्लॉट ऑफ लैंड वॉज परचेस्ड आउट ऑफ द सरप्लस फंड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज एंड वॉज लेट आउट फॉर कॉमर्शियल यूज, रेंट रिसीव्ड ₹50,000 ड्यूरिंग द ईयर। सो इतने इंफॉर्मेशन से हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज शो करना। सो सॉल्यूशन 29, वी विल सी कैश इनफ्लो पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं हम। तो कैश इनफ्लो में जो सोल्ड दिया हुआ है उसे हम पहले रिकॉर्ड करेंगे। नाउ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब है हमें नॉन करंट एसेट्स से जनरेट होने वाले कैश को या पेमेंट होने वाले कैश को ही रिकॉर्ड करना है। सो मशीनरी सोल्ड, सो प्रोसीड्स फ्रॉम मशीनरी सोल्ड। मशीनरी इज सोल्ड फॉर ₹2,00,000, देन इन्वेस्टमेंट्स आर ऑल्सो सोल्ड, इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड फॉर ₹80,000, ये क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, और पेटेंट्स आर सोल्ड फॉर ₹1,50,000। देन जो फर्दर इंफॉर्मेशन है उसमें जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो लिखेंगे, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स, है ना, ये भी इन्वेस्टमेंट है और ये नॉन करंट एसेट है, सो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स। दैट इज ऑफ ₹8,000। फिर है शेयर डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन शेयर्स, ये हमारा इन्वेस्टमेंट ही है और हमने डिविडेंड रिसीव किया है, सॉरी यहाँ इंटरेस्ट लिख दिया, वो डिविडेंड है, एंड दैट इज ₹20,000। इट इज डिविडेंड। देन रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड इज ₹50,000।
नाउ रेंट तो रेवेन्यू नेचर का होता है, लेकिन फिर भी हम उसे यहाँ इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज इट इज जनरेटेड फ्रॉम अ पीस ऑफ लैंड विच वॉज मेंट एज एन इन्वेस्टमेंट. फाइन, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज है लैंड और उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, सो देयर फोर इट इज टेकन हियर. नाउ अब जितना भी पेमेंट किया है कैश आउटफ्लो वो हम रिकॉर्ड करेंगे, जो कि मशीन बॉट है ना, मशीन परचेस्ड. टेबल में दिया हुआ है ₹6,20,000. इट इज कैश आउटफ्लो, इसलिए हम उसे निगेटिव शो करेंगे. देन इन्वेस्टमेंट्स बॉट परचेस्ड ₹2,40,000 एंड देन गुडविल भी परचेस किया गया है. ₹1,00,000. नाउ वी विल ग्रैंड टोटल दिस सेपरेटली एंड हियर इट इज ₹5,08,000. इस सब आइटम्स को ऐड करेंगे तो, और ये आउटफ्लो आइटम्स को ऐड करेंगे तो आएगा ₹9,60,000 निगेटिव. सो हमारा निगेटिव वाला अमाउंट ज़्यादा है और इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज़्यादा है, सो इफेक्ट इसका आएगा ₹4,52,000 का, जो कि एक निगेटिव अमाउंट है. फाइन, क्योंकि 9,60,000 रुपीज़ 5,08,000 से ज़्यादा है. सो यू कैन से दैट इट इज़ कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और इट इज़ अ कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 30. कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड 31 मार्च 2022 दैट इज क्लोजिंग डेट एंड 31 मार्च 2021. इन्वेस्टमेंट इन लैंड 3 लाख से 3 लाख ही है. शेयर्स इन दामोदर लिमिटेड, मतलब ये इन्वेस्टमेंट है क्योंकि हम किसी दूसरे कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किए हैं, 1,50,000 ओपनिंग एंड क्लोजिंग. देन 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ₹50,000 से बढ़ करके ₹80,000 हो गया. प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख से बढ़ करके ₹7,50,000 हो गया. पेटेंट्स 1 लाख रुपीज़ का था और अब कम होकर के ₹70,000 हो गया. और गुडविल 1 लाख रुपीज़ से बढ़ करके ₹1,50,000 हो गया. नाउ यहाँ तो हमें समझ में आ रहा है कि दिस इज परचेज ऑफ गुडविल, लेकिन पेटेंट्स जो है 1 लाख का 70,000 होना, ये दोनों तरीके से हो सकता है. या तो आपने पेटेंट्स को बेच दिया है और या पेटेंट्स आर अमोर्टाइज्ड. ये कैसे पता चलेगा, या आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो पता चलेगा. और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप इसको पेटेंट्स सोल्ड समझ करके सॉल्व कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन एट द बॉटम ऑफ द क्वेश्चन इज अ पीस ऑफ लैंड वॉज परचेस्ड एज एन इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ सरप्लस. इट वॉज लेट आउट फॉर कॉमर्शियल पर्पज एंड द रेंट रिसीव्ड वॉज ₹20,000. सो ये कैश इनफ्लो है. देन डिविडेंड रिसीव फ्रॉम दामोदर लिमिटेड एट द रेट ऑफ 12%, इट इज अगेन कैश इनफ्लो. देन पेटेंट्स रिटर्न ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ ₹20,000 एंड सम पेटेंट्स वेर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹10,000. सो पेटेंट्स के बारे में जो हमें कन्फ्यूजन था वो इस थर्ड पॉइंट से क्लियर हो रहा है कि 20,000 का तो एमोटाइज हो रहा है और कुछ पेटेंट्स को बेचे गए हैं ₹10,000 के प्रॉफिट में. देन फोर्थ पॉइंट, अ मशीन कॉस्टिंग ₹80,000, डेप्रिशिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन ₹30,000, वॉज सोल्ड फॉर ₹35,000 एंड डेप्रिशिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वॉज ₹70,000. ओके, सो मशीन अकाउंट बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट में. देन ड्यूरिंग द ईयर 12% इन्वेस्टमेंट्स वर परचेस्ड फॉर ₹1,00,000 एंड सम इन्वेस्टमेंट्स वेर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर वॉज ड्यूली रिसीव्ड. सो यहाँ भी हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना करके कुछ अमाउंट फिगर आउट करना होगा. फाइन, सो लेट अस सी द सॉल्यूशन. सो सॉल्यूशन 30 के लिए हम पहले वर्किंग नोट्स बनाएंगे. हम पहले प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाएंगे. फाइन, बिकॉज इसमें बहुत डिटेल्स है और हमें कैश इनफ्लो और आउटफ्लो कैलकुलेट करना है. बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज,
तो हमें नॉन करंट एसेट से ही जनरेटेड या पेड कैश को फिगर आउट करना है। सो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ये एक एसेट है इसलिए डेबिट बैलेंस शो करेगा 6 लाख रुपीज़ का है, और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे हम, डेबिट बैलेंस है क्लोज्ड डाउन रुपीज 7,50,000। नाउ आगे जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है फोर्थ पॉइंट में, मशीन कॉस्टिंग रुपीज 80,000, डेप्रिशिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 30,000, वाज सोल्ड फॉर रुपीज 35,000। सो बेचते हम क्रेडिट साइड से हैं, दिस इज कैश इनफ्लो 35,000 का। नाउ क्वेश्चन में लिखा है कि 80,000 रुपीज़ की मशीन थी जिस पर 30,000 रुपीज़ डेप्रिशिएशन लगाया जा चुका था, तो वो हो गया 50,000 रुपीज़ का। 50,000 के सामान को हमने 35,000 में बेचा तो हमें लॉस हो गया, दैट इज लॉस। फाइन, कैसे आएगा, 50,000 बुक वैल्यू का हो गया है, उसे 35,000 में हमने बेच दिया तो 15,000 रुपीज़ का लॉस हो गया। फिर आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है डेप्रिशिएशन वॉज ऑल्सो चार्ज, सो बाय डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन इज फॉर रुपीज 70,000। फाइन, इतना ही है बस। सो अब ग्रैंड टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड ज्यादा है, इट इज 8,70,000 ऑन द क्रेडिट साइड। इधर भी 8,70,000 बनाने के लिए हम यहां लिखेंगे टू बैग, दैट इज द बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर इज कमिंग रुपीज 2,70,000। सो दिस वे यहां पर दोनों चीज मिल गया हमें, यहां कैश इनफ्लो है क्योंकि मशीन बेची गई है, और यहां कैश आउटफ्लो है क्योंकि मशीन खरीदी गई है। फाइन, उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट्स भी देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट्स भी एसेट है, 12% इन्वेस्टमेंट टू बैलेंस क्लोज ब्रॉट डाउन इज गिवन रुपीज 50,000, और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है हमें, सो बाय बैलेंस क्लोज डाउन डेबिट बैलेंस है रुपीज 80,000 का। फिर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है कि 1 लाख रुपीज का खरीदा गया है, सो टू बैंक परचेज इट, दैट इज कैश आउटफ्लो 1 लाख रुपीज का डेबिट में होगा, और कुछ इन्वेस्टमेंट्स बेचे गए हैं प्रॉफिट में, है ना, कितने रुपए के प्रॉफिट में, 10,000 रुपीज के प्रॉफिट में बेचे गए, तो हमें पता नहीं है कि कितने में बेचा गया है पर प्रॉफिट पता है, सो इधर हो गया 1,60,000। सो यहां भी 80,000 को 60,000 बनाने के लिए हमें, सो इसे हम लिखेंगे बाय बैंक, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, आ गया 1,60,000। सो 70,000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट को हमने 80,000 में बेचा तो 10,000 रुपीज का प्रॉफिट जनरेट हुआ। सो दिस बैंक इज कैश इनफ्लो एंड दिस बैंक विच इज ऑन द डेबिट साइड इज कैश आउटफ्लो। और एक लेजर बनाते हैं हम पेटेंट्स अकाउंट, क्योंकि इसके बारे में भी डिटेल्स दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट बैलेंस रुपीज 1 लाख, पेटेंट्स आर योर एसेट्स, और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है रुपीज 70,000। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि पेटेंट्स वेर रिटर्न ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 20,000, मतलब एमोटाइज हो गया, सो बाय एमोटाइज्ड 20,000 का राइट ऑफ किया गया है। फाइन, और आगे लिखा हुआ है कुछ पेटेंट्स को हमने 10,000 रुपीज प्रॉफिट में बेच दिया। फाइन, तो इसे हम डेबिट में शो करेंगे प्रॉफिट को, तो जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगा यही वो अमाउंट है जिसमें पेटेंट्स को बेचा गया है, बैलेंसिंग फिगर। सो लेट अस कैलकुलेट दैट, 1,10,000 डेबिट में है, और यहाँ भी क्रेडिट में 1,10,000 बनाने के लिए हमें 20,000 रुपीज इंसर्ट करना होगा, मतलब समझिए कि आप 10,000 रुपीज के पेटेंट्स को 20,000 रुपीज में बेच करके 10,000 रुपीज प्रॉफिट लिया गया है। फाइन, सो दिस इज व्हाट, दिस इज कैश इनफ्लो, जो हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में यूज करना है। अब वर्किंग नोट के बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनाएंगे। पहले हम लिख लेते हैं कैश आउटफ्लो को, सो मशीन बॉट,
हमने खरीदा है जो कि वर्किंग नोट में हमने शो किया है ₹2,70,000 का, विच इज़ अ कैश आउटफ्लो। उसी तरीके से 12% इन्वेस्टमेंट भी हमने खरीदा है, बॉट ₹1,00,000 का खरीदा है, वर्किंग नोट में हमने इसे तैयार किया है और गुडविल इंक्रीज हो रहा है, सो गुडविल परचेस्ड भी होता है। अगर डिक्रीज होता है तो उसे गुडविल अमोर्टाइज्ड माना जाता है, और अगर गुडविल का वैल्यू बढ़ रहा है मतलब इट इज़ गुडविल परचेस्ड, जब तक कुछ और ना कहा गया हो क्वेश्चन में। नाउ अब इतना ही है जो कैश आउटफ्लो है, अब कैश इनफ्लो को लिस्ट कर लेते हैं। मशीन सोल्ड, इससे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो 35,000 का, इसे हम बिना ब्रैकेट के लिखेंगे। देन 12% इन्वेस्टमेंट्स भी बेचा गया है, सोल्ड। नाउ इट इज़ द टोटल प्रोसीड्स वी आर राइटिंग, है ना, इंक्लूडिंग प्रॉफिट लिखना है, प्रॉफिट को छोड़ करके कॉस्ट प्राइस को बस नहीं लिखना है, मतलब जितने में बिका वो लिखना है, राइट। देन पेटेंट्स आर ऑल्सो सोल्ड, पेटेंट्स सोल्ड, ये है ₹20,000 में हमने बेच दिया था। देन रेंट रिसीव्ड, रेंट उस पीस ऑफ लैंड से जनरेटेड है जो इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदा गया था और उसका रेंट है ये, फाइन। देन डिविडेंड वी हैव रिसीव्ड, डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ दामोदर लिमिटेड। नाउ दामोदर लिमिटेड के शेयर्स 1,50,000 के हैं। हमेशा हमें डिविडेंड और इंटरेस्ट वगैरह ओपनिंग बैलेंस पर कैलकुलेट करना है। अगर डेट कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है इश्यू का या रिडम्पशन का तो उस हिसाब से करना है, अदरवाइज ओपनिंग और क्लोजिंग में कौन से अमाउंट पर आपको डिविडेंड या इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो है ओपनिंग बैलेंस पर। सो ओपनिंग हमारे पास है 1,50,000, हालांकि क्लोजिंग भी इतना ही है ना, लेकिन हमें हमेशा ध्यान रखना ओपनिंग पर ही देना है। इसका 12% निकालेंगे और यह आएगा ₹18,000, ये रिसीव किया गया है। देन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये है ₹50,000 का ओपनिंग बैलेंस है, फाइन। ओपनिंग बैलेंस का 12% 6,000, दैट्स इट 6,000, ओके। नाउ जो कैश आउटफ्लो है उसको अलग से टोटल करेंगे और ये टोटल है ₹4,20,000 का, और जो कैश इनफ्लो है इसको हम अलग से टोटल करेंगे और ये है ₹1,79,000 का। दोनों को ऐड करने से आ रहा है ₹2,41,000, और क्योंकि कैश आउटफ्लो ज़्यादा है तो आंसर भी माइनस में आ रहा है, फाइन। सो दिस इज कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, क्योंकि कैश आउटफ्लो ज़्यादा है, आंसर जो है वो माइनस में है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 31। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। 31 मार्च 2021 ये ओपनिंग बैलेंस है और 31 मार्च 2022 दैट्स द क्लोजिंग अमाउंट गिवन। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग है 1,00,000, क्लोजिंग है 4,00,000। प्रोविजन फॉर टैक्स 30,000 इज ओपनिंग एंड 30,000 इज क्लोजिंग। देन ट्रेड पेएबल्स ₹40,000 ओपनिंग एंड ₹1,50,000 क्लोजिंग। करंट एसेट्स इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड रिसीवेबल्स, मतलब इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है, दैट इज ₹4,60,000 ओपनिंग एंड ₹5,20,000 क्लोजिंग। एंड नेट फिक्स्ड एसेट्स, नेट का मतलब होता है डेप्रिसिएशन इसमें डिडक्ट किया जा चुका है, सो आफ्टर डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन ओपनिंग इज ₹3,25,000 एंड साल भर का डेप्रिसिएशन काटने के बाद है ₹3,92,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो गिवन, डेप्रिसिएशन ऑफ ₹80,000 वॉज प्रोवाइडेड एंड अ मशीन कॉस्टिंग ₹1,05,000
डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन रुपीज 65,000 वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ रुपीज 8,000 एंड टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज रुपीज 30,000। सो हमें यहाँ वर्किंग नोट के लिए मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना लेना चाहिए। फाइन, तो इससे हमें कुछ मिसिंग फिगर्स पता चल जाएंगे दैट इज रिलेटेड टू कैश इनफ्लो और आउटफ्लो। सो लेट अस सी दिस। सो सॉल्यूशन 31 का हम पहले वर्किंग नोट्स बनाएंगे। हमें पहले मशीन अकाउंट बनाना चाहिए। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मशीन फिक्स्ड एसेट्स है और ये दिया हुआ है रुपीज 3,25,000 का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस भी है। बाय बैलेंस क्लोज डाउन रुपीज 3,92,000 क्योंकि मशीन इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो हमें फिगर आउट करना है कि कितना कैश इनफ्लो है और कितना आउटफ्लो। क्वेश्चन में दिया हुआ है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। सो डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए रुपीज 80,000 का। अब जो डिटेल क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसमें लिखा है कि एक ऐसी मशीन थी जिसे 1,05,000 में खरीदा गया था जिस पर अब तक डेप्रिसिएशन 65,000 रुपीज का लगाया जा चुका है। मतलब देखिए 1,05,000 की मशीन थी उस पे 65,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया। मतलब उस मशीन की कीमत हो गई 40,000 रुपीज, उसकी बुक वैल्यू हो गई है ना। इस 40,000 वाली मशीन को हमने बेच दिया लॉस में 8,000 रुपीज के। सो कुछ पैसा तो मिला होगा बैंक और बाय प्रॉफिट एंड लॉस जो कि लॉस है। 40,000 में से 8,000 रुपीज का लॉस हो गया। मतलब बैंक में कितना आएगा, 40,000 बुक वैल्यू माइनस 8,000 दैट इज इक्वल टू 32,000 रुपीज में हमने बेचा, तब जाकर के हमें 8,000 रुपीज का लॉस हुआ। इतना ही लिखा हुआ है, इतनी ही जानकारी है। तो इसे हम अब क्लोज कर देते हैं 5,12,000 यहाँ 5,12,000। तो हमें एक बैलेंसिंग अमाउंट यहाँ मिल रहा है 1,87,000 का, दैट इज परचेज ऑफ न्यू मशीन। सो दिस इज कैश आउटफ्लो एंड दिस बैंक इज कैश इनफ्लो। फाइन, उसी तरीके से प्रोविजन फॉर टैक्स में आ जाइए। प्रोविजन फॉर टैक्स एक लाइबिलिटी है इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड होगा। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इट इज 30,000 रुपीज और इसका क्लोजिंग बैलेंस भी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसे भी हम लिख लेते हैं क्रेडिट बैलेंस डेबिट के साइड 30,000 रुपीज़ का। ये एक कोइंसिडेंस है कि दोनों 30,000 है और आपको ऐसा लगेगा कि हमें तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपको बनाना चाहिए, समझना ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टैक्स वॉज पेड, तो टैक्स पेड को हमें यहाँ लिखना है 30,000, ये भी 30,000 का दिया हुआ है। सो टैक्स पेड है ये, फाइन, इट इज कैश आउटफ्लो। और बैलेंस जब हम करेंगे तो जब इसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ आएगा 60,000, इधर भी 60,000 बनाना है तो बैलेंस करेंगे तो इसे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस इज टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर और टैक्स मेड फॉर द ईयर, ये दोनों ही अमाउंट हमारे लिए ज़रूरी है ना, क्योंकि यहाँ टैक्स पेड दे दिया है क्वेश्चन में इसलिए हमें टैक्स मेड निकालना ज़रूरी है। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तो है ही, अगर टैक्स पेड या टैक्स मेड नहीं दिया होता तो हम ओपनिंग और क्लोजिंग से ही काम चलाते। लेकिन यहाँ पर देखिए सारे फिगर्स 30,000 आ गए, तो आप अब इसे जब यूज़ करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमें प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन टैक्स पेड को आपको माइनस करना रहता है और टैक्स मेड फॉर द ईयर को आपको प्लस करना है कैश फ्रॉम ऑपरेशंस में। फाइन, सो ये फिगर अगर दूसरे अलग अलग आते तो आपको बेहतर समझ में आता और मेरे ख्याल से अभी भी समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसके लिए सबसे पहले हमें सरप्लस लेना है, सरप्लस जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। फाइन, क्लोजिंग 4,00,000 माइनस ओपनिंग 1,00,000 दैट विल बी द प्रॉफिट फॉर द ईयर दैट इज 3,00,000 रुपीज। अब इसमें हम ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स
मेड फॉर द ईयर या मेड ड्यूरिंग द ईयर है ना, और ये है 30,000 रुपीज। अब इसे ऐड करेंगे तो आएगा 3,30,000, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये कैलकुलेट किया जाना चाहिए। इसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के बाहर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अंदर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अब हम इसमें ऐड करेंगे नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें क्या दिया हुआ है? डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज ₹80,000 दिया हुआ है, तो ये एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है लेकिन ये नॉन कैश नेचर का है। और दूसरा है लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन जो हमने वर्किंग नोट में तैयार किया है, ये है ₹8,000 का, ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है और साथ में ये नॉन कैश आइटम भी है। फाइन, बस इतना ही दिया हुआ है तो इसे हम ऐड कर देते हैं 88,000। अब ये दोनों फिगर को ऐड करेंगे तो आएगा 4,18,000। फाइन, एंड व्हाट विल दिस बी कॉल्ड एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल का ट्रीटमेंट यहां करेंगे। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल ट्रीटमेंट हियर? डिक्रीज इन करंट एसेट या इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी को हमें ऐड करना है बिकॉज दैट इज कैश इनफ्लो। तो इसमें हमें क्या है? ट्रेड पेबल्स है ना, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो रहा है 90,000 रुपीज से, तो हम डायरेक्ट बाहर ही लिख देते हैं 90,000 रुपीज क्योंकि एक ही आइटम है। फाइन, उसी तरीके से ये क्या हुआ? कैश इनफ्लो हुआ क्योंकि ट्रेड पेबल्स में क्या होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं। इसका मतलब है कि आपने उधार में सामान लिया है लेकिन पैसे नहीं चुकाए हैं, इसलिए ट्रेड पेबल्स बढ़ गया है। सो दैट इज कंसिडर्ड एज कैश इनफ्लो। फाइन, अभी तो आपके पास से आउटफ्लो नहीं हुआ लेकिन सामान तो आपको मिल गया है इसलिए। और दूसरा है अदर करंट एसेट्स। करंट एसेट्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है 60,000 रुपीज से, इंक्रीज हो रहा है, सॉरी, करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहा है। मतलब करंट एसेट्स में आप समझ जाइए जैसे कि स्टॉक इंक्रीज हो गया, तो आपने स्टॉक खरीदा है कैश में तब तो वो इंक्रीज हुआ है, इसलिए इट इज कंसिडर्ड एज कैश आउटफ्लो और इसे हम ब्रैकेट में शो करेंगे। फाइन, अब 4,18,000 प्लस 90,000 माइनस 60,000 करेंगे तो अमाउंट आएगा 4,68,000 पॉजिटिव। फाइन, दैट इज, अब इसमें हम लेस करेंगे टैक्स पेड। टैक्स पेड 30,000 रुपीज है। अब जो आंसर आएगा दैट इज कैश फ्रॉम ऑपरेशन एंड द आंसर इज 4,38,000 पॉजिटिव कैश फ्रॉम ऑपरेशन, या इसे हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी कहते हैं। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें हमने मशीन परचेस किया है, सो मशीन बॉट। सो इट इज कैश आउटफ्लो और ये है 1,87,000 का, और मशीन हमने बेचा भी है, मशीन सोल्ड एंड दैट इज फॉर 32,000। ये कैश इनफ्लो है इसलिए बिना ब्रैकेट के। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ गया ₹1,55,000 विच इज कैश आउटफ्लो, क्योंकि कैश आउटफ्लो वाला अमाउंट ज्यादा है। सो दिस इज हाउ द सॉल्यूशन इज टू बी प्रिपेयर्ड। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपने एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है, पूरा वीडियो देखा है।
इसके बावजूद भी अगर कुछ डाउट है देन प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग दिस चैनल. एंड इफ यू हैव नॉट येट देन प्लीज डू लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.